स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में लगभग सभी स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की हरोली विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस को एक विशेष अंदाज में मनाकर यादगार बनाने का प्रयास किया गया। इसके तहत देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया। शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करने के लिए आयोजकों द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह भी रखा गया था, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हुए। शहीद सैनिकों के परिवारों को बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ हरोली के अध्यक्ष अजय जोशी के द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान के बाद शहीद सैनिकों के परिजनों के चेहरे पर गर्व और संतोष के साथ साथ मिले जुले भाव स्पष्ट देखे जा रहे थे। शहीदों के परिजनों के मुताबिक यदि इस प्रकार के कार्यक्रम यथासंभव समय पर आयोजित किए जाते रहे और शहीदों के बलिदान को याद किया जाए तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणादायक होंगे। सम्मान के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए शहीद के परिजनों ने ऐसे कार्यक्रमों से देश की सरहदों पर लड़ने वाले और देश के भीतर छिपे दुश्मनों से लोहा लेने वाले सैनिकों का हौसला बढ़ाने की आशा भी व्यक्त की। पंचायत ने हमारे शहीदों को याद में किया है, बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हम इनका सदा आभारी रहेंगे और जो आने वाली पीढ़ी, इसके लिए वो हम उसे प्रेरित करते हैं कि उनके लिए जो सब कुछ ठीक है, वो आगे जो पीढ़ी आएगी उनके लिए जो आने वाले भविष्य हैं और हमारे जो देश के जवान हैं जो शहीद हुए हैं और जो अभी बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनका मैं वंदन करता हूँ कि हमें उनसे जो प्रेरणा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य में उनसे ही सीख लेनी चाहिए कि जो भी इनका हमें प्रेरणा है, तो हम चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी इससे सहमत रहे और इनको याद रखे सदा के लिए, इनको याद रखे और जो शहीद हुए हैं उनको वो अमर रहें और उनके लिए जो भी हैं वो हम दिल से वाकई इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, इन्होंने हमारे परिवारों को याद किया। यह कार्यक्रमों में सम्मानित करना, जो शहीदों का सम्मान करते हैं, ये देश के जो युवा बच्चे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी है जो अभी मौजूदा है, उसको प्रेरणा मिलती है देश सेवा करने के लिए, कि देश की सेवा के लिए देश का अपना जज्बा कैसा होना चाहिए। तो इस कार्यक्रम से आम जनता को भी यह एहसास होता है कि हमारे जो सैनिक हैं बॉर्डर के ऊपर और वो सुरक्षा करते हैं हमारी, हम चैन की नींद से सोते हैं उन्हीं वीर जवानों की वजह से। इसलिए सर्वप्रथम देश की रक्षा, देश का सम्मान, उसके बाद बाकी सब आता है। शहीद सैनिक के परिजनों के सम्मान के बाद देश की आन बान शान तिरंगे झंडे के साथ लगभग 15 किलोमीटर की दूरी वाला तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और यात्रा के दौरान देश के शूरवीरों के सम्मान में नारे बुलंद किए गए। सम्मान समारोह और तिरंगा यात्रा के आयोजकों का दावा है कि वे समय समय पर शहीद के सम्मान में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। हम हर साल 15 अगस्त को झंडा चढ़ाते हैं और देश पे कुर्बान होने वालों को हम याद करते हैं। मेरे मन में आया कि जो हरोली में हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं, क्यों ना उनके नाम से यात्रा निकाली जाए और उनके नाम से उनका मान सम्मान बढ़ाया जाए, ताकि हरोली वासियों को भी पता चले कि हमारे कितने नौजवान शहीद हुए हैं। एक तो एक देश की स्वतंत्रता के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है या आंदोलनकर्ता, उन्होंने जरूर अपना सहयोग दिया, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अब आज़ादी के बाद जिन शहीदों ने हमारे देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपने प्राण दिए, उस दोनों चीज़ों में कितना अंतर मानते हैं हम आज़ादी के? देखो, अंतर तो कुछ भी नहीं है, अंतर है तो बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने भी कुर्बानी दी, इन्होंने भी कुर्बानी दी। उन्होंने उस वक्त सब कुछ अपना त्याग कर दिया इस देश के लिए, इन्होंने अभी सब कुछ इनके पास था, इन्होंने भी अपना सब कुछ सर्वस्व दान कर दिया, त्याग कर दिया। तो आप ये जो इस तरीके जो कार्यक्रम है शहीदों के सम्मान के लिए, हालांकि हमने देखा कि अभी तक जो सिर्फ इतिश्री कर दी जाती है, कुछ खास दिन विशेष पर शहीदों को याद किया जाता है, उसके बाद भूल दिया जाता है, लेकिन मैं तो हम ये उम्मीद करें कि ये इस तरह कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे या उनको सम्मान दिया जाएगा। मैं तो बोलता हूँ हर 15 अगस्त को जब तक मैं रहूँगा, मैं ऐसे ही शहीदों को हर साल पर्व की तरह मनाऊँगा।